हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर कौशल यादव फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज हम सीखने वाले हैं ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस पार्ट टू में हेड गेयर के बारे में तो सबसे पहले हेड गेयर क्या होता है देख लेते हैं इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्स्ट्रा ओरल ऑर्थोपेडिक अप्लायंस तो सबसे कॉमनली यूज किया जाता है ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेज में यूज ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड

और ये इंटरसेप्ट करता है स्केलेटल माल एक्लूजन या फिर डिस्टलाइजेशन ऑफ मैक्सिलरी अगर स्केलेटल माल एक्लूजन है तो उसको करेक्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है और डिस्टलाइजेशन ऑफ मैक्सिलरी डेंटिशन या फिर मैक्सिला इटसेल्फ मतलब पूरे मैक्सिलरी डेंटिशन को भी कर सकते हो आप या फिर पूरे मैक्सिला को भी पीछे कर सकते हो इसकी मदद से एंड ये ऑल्सो फॉर्म वन ऑफ द टू कंट्रोल और गेन एनकरेज तो ये एक एनकरेज की तरह भी काम करता है ये ओके नाउ हेडगेयर फेसबो जो होता है इसके थ्री मेन कंपोनेंट्स होते हैं अब कंपोनेंट्स पढ़ते हैं पहला फेसबो दूसरा फोर्स एलिमेंट तीसरा हेड कैप और सर्वाइकल स्ट्रैप तो जो पहले फिगर में आप देख रहे हो दैट इज फेसबो ओके और दूसरे फिगर में ट और दिस इज योर ओके सर्वाइकली भी पहनते हैं और वन बाय वन सीखते हैं इसको तो जो फेसबो होता है फर्स्ट देर आर टू टाइप ऑफ फेसबोज दैट आर यूज इन ऑर्थोटोटिक दो टाइप का फेसबो होता है एक हो गया इनर आउटर बो टाइप और एक हो गया जे हुक टाइप फेसबो बोलते हैं तो फर्स्ट इमेज इज इनर आउट बो टाइप और दूसरा जे हुक टाइप फेसबो है अब बात करते हैं इनर आउटर बो टाइप की तो इनर आउटर बो में क्या है फेसबो इज अ मेटेलिक कॉम्पोनेंट दैट हेल्प इन ट्रांसमिटिंग द एक्स्ट्रा ओरल फोर्सेज ऑन दोस्टीरियर हमें पता है ये जो हमारा जो फेस बो है ये पूरा मेटेलिक बना है मेटल का है ये ओके ये इसका यूज कहाँ होता है ये क्या करता है ट्रांसफर करता है एक्स्ट्रा ओरल फोर्स को पोस्टीरियर टीथ पे तो एक ट्रांसमिटिंग मीडियम की तरह काम करता है ओरल फोर्स को ट्रांसफर कर रहा है टूथ में ओके पोस्टीरियर टूथ में नाउ कंसिस्ट ऑफ आउटर बो इनर बो और दी जंक्शन अब ये वाला जो है ये आउटर बो है ओके दिस इज योर आउटर बो ओके अब ये वाला जो है अंदर वाला दिस इज योर इनर बो इनर बो और ये जो बीच में है जंक्शन जो इन दोनों को जोड़ रहा है आउटर बो और इनर बो को ओके okay? नाउ जो आउटर बो है कैन बी शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग अब कैसे समझते हैं दिस इज योर इनर बो अब दिस इज यनर बो दिस इज यउटर बो जब आउटर बो शॉर्ट होगा टू द इनर तो उसे शॉर्ट बोलेंगे मीडियम वेन आउटर और इनर ऑफ सेम साइज ओके सेम साइज पे रहेगा आउटर एंड इनर दोनों सेम साइज पे रहेगा लॉन्ग कब होगा जब आउटर बो इनर वाले से लॉन्ग होगा सो आउटर व्हेन इनर वाले से लॉन्ग होगा ओके okay? तो उसे लॉन्ग बोलेंगे सो so, ये थ्री टाइप्स के हो गए ना हो इनर बो जो होता है वो 1.25 पॉइंट राउंड स्टेनलेस स्टील वायर से बना हुआ है जो इनर बो होता है दिस वन ये वाला 1.25 mm राउंड स्टेनलेस स्टील वायर से बना होता है एंड कंटूर अराउंड द डेंटल आर्च एंड मोलर्स अब इसको कंटूर किया जाता है डेंटल आर्च के अकॉर्डिंग बेंड किया जाता है और मोलर्स के अकॉर्डिंग ओके एंड इंसर्टेड इनटू बकल ट्यूब फिक्स्ड ऑन द मैक्सिलरी मोलर अब कैसे सपोज करो ये मेरा आर्च है ये मेरा टूथ है ओके okay? अब यहां पे मोलर है ये सपोज करो दिस इज मोलर ओके अब यहां पे बकल ट्यूब होगा सिलेंड्रिकल शेप बकल ट्यूब होगा हो तो जो इनर वो है उसको हम लोग इंसर्ट करेंगे इसके अंदर ओके okay? इस ट्यूब के अंदर इंसर्ट करेंगे ओके नाउ जे हुक टाइप फेसबुक क्या है

Uh, कितना फोर्स लगाना है इंक्रीज करना है डिक्रीज करना है उसके अकॉर्डिंग सेट किया जाता है तो ये फोर्स एलिमेंट है ओके okay? अब बात करते हैं हेड कैप और सर्वाइकल स्ट्रैप की तो अपलायंस टेक एनकरेज फ्रॉम द रिजिड बोन ऑफ द स्कल और फ्रॉम द बैक ऑफ द नेक अब क्या करेंगे ये हेड कैप है दिस इज हेड कैप एक तो नेक से सपोर्ट ले रहे हैं और एक ले रहे हैं ऑक्सीपिटल और पैराइटल एरिया से ओके okay? तो ये हेड कैप है और सर्वाइकल स्ट्रैप है ओके okay? तो गाइस मेरे नेक्स्ट वीडियो में आगे का हम पढ़ेंगे लाइक टाइप्स ऑफ हेडगियर्स के बारे में पढ़ेंगे देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेडगियर्स सर्वाइकल हेडगियर ऑक्सीपिटल हेडगियर कॉम्बिनेशन ऑफ हेडगियर वर्टिकल पुड हेयर पुल हेडगियर्स और सिमेट्रिकल हेडगियर्स सो डिफरेंट टाइप ऑफ हेडगियर्स आर देयर उसके बारे में पढ़ेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल लाइक एंड शेयर सो दैट यू विल गेट लेटेस्ट वीडियो और प्रेस दी बेल आइकन सो दैट ऑल द न्यू नोटिफिकेशंस यू विल गेट ओके थैंक यू गाइस